चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है लॉजिकल वेन डायग्राम का पार्ट 3 है, जिसमें दोस्तों हम इसके कुछ एग्जांपल लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो इससे पहले के दोस्तों दो पार्ट में मैंने इसके और एग्जाम्पल सोल्व किए हैं और वहां पर दोस्तों हमने इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी चर्चा की है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं और उसे हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्य कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। अब यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ से हमें देखना है कि वो सही आर्य कौन सा है जो दोस्तों कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच में सही संबंध को दर्शाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आकृति ए को हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें दो में आंशिक रूप से संबंध दिया गया और एक आकृति है जो अलग है। तो यह आर्य दोस्तों ये दर्शाता है कि जो कीट और मक्खियां हैं उनका आंशिक रूप से संबंध है कि कुछ कीट मक्खियां हैं और कुछ मक्खियां कीट है और कुत्ता अलग है। और इसी प्रकार से दोस्तों हम बी आकृति को देखें तो इसमें यह दर्शाया गया है, एक यहाँ पर बड़ा सर्किल हमें दिया गया है, इसके अंदर एक सर्किल और है और बाहर हमें एक सर्किल और दिया गया है। इसका अर्थ दोस्तों यह है कि जो बड़ी वाली आकृति है वो कीटों के लिए हो सकती है और अंदर वाली मक्खियों के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो सभी मक्खियां हैं वो कीट है और यहाँ पर दोस्तों जो कुत्ता है वो अलग जीव है। अब यहाँ पर तीसरी आकृति को देखें सी को, तो यहाँ पर दोस्तों तीनों को अलग अलग दर्शाया गया है, इसका मतलब यह है कि तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। और डी में दोस्तों हमें दिया गया है एक सर्किल और उसके अंदर दो सर्किल, कि यहाँ पर दोस्तों दो वस्तुओं का आपस में कोई संबंध नहीं है लेकिन दोस्तों वो दोनों वस्तुएं तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती है, जैसा कि इन आकृतियों के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखना है कि कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच में क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो मक्खियां जो होती है वो कीटों के अंतर्गत आती है, यानी कि कीट की प्रजाति में मक्खियां आती है और कुत्ता उनसे अलग है। तो इससे हम देख सकते हैं कि बी वाली जो आकृति है वो हमारी सही होगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो ये बड़ी वाली आकृति है ये बनाई गई है कीटों के लिए और अंदर है इसके मक्खियां और बाहर जो ये आकृति है ये है दोस्तों कुत्तों के लिए क्योंकि ये अलग है। तो इससे हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यहाँ से हमारी बी आकृति सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें पहचान करनी है आरेखों की और वहां पर दोस्तों हमें संबंध देखते हुए सही आरेख का चुनाव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसे हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। यहाँ पर दोस्तों हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें सही आर्य का चुनाव करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखना है कि जो हमें आकृतियां दी गई है इनमें लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों से कौन सी आकृति संबंध हमें दर्शाती है। इसके लिए दोस्तों हम देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि विद्यार्थियों में लड़के भी आते हैं और खिलाड़ी भी आते हैं, कि कुछ विद्यार्थी हैं जो लड़के हो सकते हैं और कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी विद्यार्थी लड़के हो या सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हो। तो यहाँ पर हम देखें तो लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों का आंशिक रूप से कुछ संबंध होता है, कुछ कुछ संबंध होता है कि कुछ विद्यार्थी लड़के हो सकते हैं और कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों हम आरेख है जो किस प्रकार से दर्शाएंगे उसमें दोस्तों आंशिक रूप से संबंध होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ए में हमें आकृति दी गई है ये सही बैठती है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं हमें तीन सर्किल दिए गए हैं और तीनों को आपस में जोड़ा गया है, कुछ कुछ भाग है जो यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये मान लीजिए विद्यार्थियों के लिए है, तो इसमें दोस्तों कुछ हिस्सा है जो लड़कों का और कुछ हिस्सा है जो यहाँ पर खिलाड़ियों का। कहने का मतलब यह है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं और कुछ विद्यार्थी हैं जो लड़के भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका सही डायग्राम ए की आकृति वाला बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख पति, पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि सही आरेख कौन सा है जो पति, पत्नी और परिवार को दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आरेख है जो बिल्कुल सही होगा इसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है पति, पत्नी और परिवार, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि इनका क्या संबंध हो सकता है, तो परिवार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों पति और पत्नी, लेकिन हम देखें तो ये दोनों अलग अलग है। तो इसके लिए दोस्तों टाइप मैंने आपको बताया था कि जब दो वस्तुएं अलग अलग हो और वो दोस्तों तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो तो उसे हम किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात की गई है परिवार, पति और पत्नी की, तो यहाँ पर हम इसे किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों परिवार के लिए हम एक सर्किल बनाएंगे, तो ये है दोस्तों परिवार, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें पति और पत्नी, तो परिवार के अंदर आते हैं पति और पत्नी, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो डायग्राम होगा वो बनेगा, तो ये हम देख सकते हैं डी ऑप्शन में है, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इसका एग्जांपल हम और लेते हैं और उसे हम सोल्व करके देखते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है, निम्न आरेखों में से कौन सा आरेख नारी माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि नारी माँ और डॉक्टर के संबंध को कौन सा आरेख दर्शाता है। इसके लिए दोस्तों हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है नारी माँ डॉक्टर, तो इसके लिए दोस्तों क्या संबंध हो सकता है कि कुछ नारियां माँ हो सकती है और कुछ नारियां डॉक्टर भी हो सकती है। इस प्रकार से हम देखें तो ये नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों हमें ए आकृति में दिया गया है इनका आंशिक रूप से संबंध की कुछ नारियां हैं जो माँ हो सकती है और कुछ नारियां डॉक्टर हो सकती है या कुछ माँ है जो डॉक्टर हो सकती है, लेकिन ऐसा संबंध इसमें दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम गलती करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम ये देखते हैं कि सभी माँ है जो नारी होती है, तो इसके लिए हम दोस्तों किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों नारी के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर हम माँ को ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर दोस्तों नारी और माँ के लिए हम आंशिक रूप से संबंध दर्शा सकते हैं डॉक्टर का, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों संबंध हो जाए कि दोस्तों जो सभी माँ है वो नारी है और कुछ नारी या माँ है जो डॉक्टर हो सकती है। इस प्रकार से दोस्तों कौन सी ऐसी आकृति है जो दर्शाती है, इसके लिए दोस्तों हम देख सकते हैं सी आकृति को, जिसमें देखिए जो बड़ा वाला ये सर्किल है ये दर्शाता है दोस्तों नारी को, ठीक है। और यहाँ पर बीच वाले सर्किल की हम बात करें तो ये दर्शाएगा माँ को और जो ये वाला सर्किल है ये है दोस्तों डॉक्टर के लिए। अब यहाँ पर मैं संबंध भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर नारी के लिए ये बड़ा वाला सर्किल दर्शाया गया और बीच में है माँ के लिए। इस प्रकार से दोस्तों ये जो आरेख है प्रदर्शित करता है कि जो सभी माँ है वो नारी है और कुछ नारियां डॉक्टर हो सकती है, जैसे यहाँ पर आंशिक हिस्सा लिया गया है डॉक्टर के लिए और कुछ माएं भी डॉक्टर हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ से हम सी को सही करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों संबंध देखते हुए हम आरेखों को सही करेंगे। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जो मिस हो गए थे पिछले वीडियो से, तो इस वीडियो में मैंने इन्हें बताया है। तो ये वीडियो पसंद आया तो इसे दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें और आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम मिलते हैं दोस्तों इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।